रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह शाम 10 मर्तबा मुझ पर दरूद भेजेगा, कयामत के रोज मेरी शफात पाएगा। और इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दरूद सिखाया वो नहायत मुख्तसर और आसान है और आसानी से पढ़ा जा सकता है। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन। ऐ अल्लाह, दुरूद और सलाम भेज हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसे तबरानी ने रिवायत किया है। आपके पास घड़ी है? जरा खामोशी से 10 दफा पढ़िए और जरा मुझे टाइम बताइए कितना लगा आपको। कितना टाइम? 22 सेकंड। क्या हमारे पास सुबह में 22 सेकंड है और शाम में 22 सेकंड है ना? कुछ मुश्किल नहीं। चलिए 22 नहीं तो 25 तक ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी के 25 सेकंड भी एक नेक काम के लिए नहीं निकालते तो बहुत सी खैर से महरूम रह जाते हैं। ये तो आखिरत का अजर यहाँ बताया गया दुरूद शरीफ पढ़ने का, लेकिन दुनिया का अजर सवाब क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक मरतबा मुझ पर दुरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत भेजेंगे। उमूमन लोग सुस्ती कर जाते हैं कि दुरूद शरीफ बहुत लंबा होता है, पढ़ने में बहुत देर लगती है और उससे मुराद उनकी दुरूद इब्राहिमी होता है। इसलिए ये वर्जन जो है बहुत मुख्तसर भी है, आसान भी है और बहुत सहूलत से पढ़ा जा सकता है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम अला नबीना मुहम्मद। सल्लमा क्यों आया है मालूम है आपको? जैसे हम पढ़ते हैं ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल में सल्लमा है, उसको सल्लम पढ़ देते हैं आखिर में ब्रीफ करने के लिए, रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए। सल्लमा माजी का सीगा है लेकिन दुआ के मानों में भी इस्तेमाल होता है। समझ आई? नहीं आई? अच्छा, एक और मिसाल। रदी अल्लाह अन्हु। रदिया कौन सा सीगा है? फेल माजी। इसका तर्जुमा लफ्जी क्या होगा? राजी हुआ अल्लाह उनसे। लेकिन जब आप कहते हैं हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो आप क्या कर रहे होते हैं? दुआ दे रहे होते हैं। तो ये रदिया है फेल माजी, लेकिन माना क्या है? दुआ का। ये बलागत का एक उसूल है और ऐसा अपने कॉन्टेक्स्ट से पहचाना जाता है। यहाँ भी सल्लमा माजी का सीगा है लेकिन दुआ के मानों में इस्तेमाल हुआ है। आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम अला नबीना मुहम्मदिन, स्टॉप भी कर सकते हैं।